मंजौर पुलिस द्वारा मातृ शक्ति को समर्पित नवरात्रि पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने महिला स्कूटी पेट्रोलिंग पार्टी को थाना कोतवाली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवरात्रि पर्व के दौरान नगर के सभी गरबा पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना इस पार्टी की मुख्य जिम्मेदारी होगी। वही भारत वर्ष में इस समय मातृशक्ति को समर्पित 9 दिवसीय नवरात्र उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से महिलाओं के प्रति समर्पित है। इस दौरान महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने नवाचार करते हुए निर्देशित किया है कि नवरात्र उत्सव के दौरान गरबा पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा केवल महिला अधिकारी कर्मचारियों के पास होगा। इसी संदर्भ में महिला स्कूटी पेट्रोलिंग पार्टी को नगर के सभी गरबा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इस आयोजन के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर और महिला स्कूटी पेट्रोलिंग पार्टी की महिला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, महिला सुरक्षित जो है, महिला सुरक्षा सरकार के भी और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पुलिस की भी प्राथमिक जो है वो प्राथमिकता है। तो इसी के संबंध में अपने जो है महिला पेट्रोलिंग पार्टी वो रवाना की गई है। 4 जो है स्कूटी जो है इसके माध्यम से जो महिला फोर्स है ये मोबाइल पेट्रोलिंग जो है उसकी व्यवस्था की गई है। जो आज से लगातार जो है गरबा पंडालों में आने वाले टाइम में और भीड़ बढ़ने वाले इसी के संबंध में की गई है। इसके साथ ही हमने जो शहर के जितने पंडाल है वहाँ पे भी जो महिला फोर्स है यथासंभव जो है अपन ने महिला फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट की है। इवन जो सुदूर जो जैसे कचनारा हो गया, हमारा दलौदा हो गया, पिपिया मंडी हो गया, तो इन सभी जो कस्बों हैं, मुख्य कस्बे हैं, वहाँ पे भी अपने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला पेट्रोलिंग और महिला सब इंस्पेक्टर उसको जो है रखा गया है। और अपन लगातार जो है जो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि महिला जो है पूरे आनंद के साथ इस त्यौहार का जो है वो आनंद ले सके। मंसूर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।